सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटी R1 में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और काफी सारी रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। आज की वीडियो में आपको मैं वो बताने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं April 21 का जो ये हमारा GST R1 है, इसके अंदर मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि HSN वाइज समरी वाला जो टेबल है इसके अंदर अब आपको रेट ऑफ टैक्स के साथ एक्चुअल HSN कोड जो है वो डालना होगा। लेकिन अब आप देखेंगे तो उस कंडीशन को फिलहाल रिलैक्स कर दिया गया है। अगर आप अपनी GST R1 अप्रैल महीने की अब भरना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्यू डेट है अप्रैल महीने के लिए वो अब फिलहाल एक्सटेंड तो कर दी गई है, लेकिन आपको तैयारी जो है वो अब कर लेनी होगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो पहले फॉर्मेट था जीएसटी R1 के अंदर HSN वाइज टेबल के लिए, सेम पुराना वाला फॉर्मेट जो है उसे ही लागू कर दिया गया है। आपको HSN कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, यूनिट क्वांटिटी कोड डालते हुए टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू जो है वही यहां पर फीड करना है। अभी यहां पर जो चेंज हुआ था कुछ दिन पहले, टोटल वैल्यू की जगह पे यहां पर कर दिया गया था रेट ऑफ टैक्स, और वो जो रेट ऑफ टैक्स है वो इस HSN कोड से मिलता हुआ होना चाहिए था। उसके अंदर अगर मिसमैच रहेगा तो डेटा जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था। 1 अप्रैल 2021 से ये करने की बात हो चुकी थी। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है ये रिलैक्सेशन दिया गया है। आप पुराने प्रोसेस के आधार पे ही अपनी जीएसटी R1 के अंदर HSN वाइज डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और कंपनसेशन सेस को जैसे पहले ऐड करते थे, सेम उसी तरीके से। तो पहला तो ये हो गया कि जीएसटी R1 में HSN वाइज समरी जो है वो अब रिलैक्स कर दी गई है। इसके बाद जीएसटी R1 के अंदर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, और अगर हमने टाइम पे नहीं फाइल किया तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन नंबर 12 और नोटिफिकेशन नंबर 13 है वो समझना जरूरी है। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं ये सारे हमारे मई महीने की मंथली टैक्स मैगजीन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है तो आप हमारी फाइलिंग कोर्सेज जो हैं वो परचेज कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए सेम नंबर पे कॉल करना है। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन नंबर 12 है ये क्या कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर आया है, जिसका सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। इस नोटिफिकेशन के जरिए अब यहां पर नोटिफिकेशन 83 जो है उसे अमेंड किया गया था, जिसमें कुछ डेट्स जो हैं जीएसटी R1 के रिस्पेक्ट में एक्सटेंड करी गई। अब उसे फर्दर अमेंड करके बताया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटी R1 ऑफ द सेड रूल्स फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में जिनको भी जीएसटी R3B की रिटर्न भरनी है उनके लिए जीएसटी R1 की जो डेट होगी वो कौन सी होगी, फॉर द टैक्स पीरियड अप्रैल 21 के लिए ये एक्सटेंशन जो है दी गई है, शैल बी एक्सटेंडेड टिल 26th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड। कहने का मतलब है कि अप्रैल 21 का वैसे तो जो जीएसटी R1 का डेट होता है वो होता है 11 मई 2021, और ये किनके लिए होता है, मंथली फाइलर्स यानी कि 39(1) के लिए। अगर प्रोविजो टू 39(1) की बात की जाती तो वहां पर फिर क्वार्टरली जीएसटी R1 होता और IFF जो ऑप्शनल फैसिलिटी है वो आपको करना है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में प्रोविजो टू 39(1) नहीं है, यहां पर 39(1) की बात हुई है। तो अप्रैल महीने का जो जीएसटी R1 आपको डालना है वो 11 मई की बजाय अब आपको डालना है 26 मई 2021 तक। तो दो रिलैक्सेशन तो ये हो गई कि HSN वाइज डेटा जो है वो आपको रिलैक्स कर दिया गया है, साथ ही साथ जीएसटी R1 के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड करने की डेट है उसे भी बढ़ा करके 26 मई 2021 तक कर दिया गया है।
अगर आप क्वार्टरली रिटर्न टैक्स पेयर हैं, क्यूआरएमपी में आप चले गए हैं, तो आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर इनवॉइसेज अपलोड करना है, तो इसके लिए अप्रैल महीने का जो इनवॉइसेज है वो कब तक अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए रूल 59 सब रूल 2 में चेंज किया गया है और इसके अंदर एक नया प्रोविजो डाल दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश सच डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यूजिंग IFF फ्रॉम 1 May till 28 May, यानी कि जो क्यूआरएमपी में चले गए हैं उनके लिए अप्रैल 21 का जो डेटा अपलोड करने का टाइम है वो पहले था 1 मई से लेके 13 मई 2021 तक, अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 1 मई से लेके 26 मई के बाद, GSTR1 है 26 मई और जो IFF है वो 28 मई 2021 तक अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं ताकि सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाए। तो यहां पर GSTR1 अप्रैल और IFF अप्रैल के इनवॉइसेस के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है, और यहां पर जो रूल 36 सब रूल 4 है उसको भी अब क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है, यानी कि अप्रैल महीने के अंदर अगर आपने कोई परचेज किया है तो रूल 36 सब रूल 4 आपको अप्रैल महीने की 3B में लगाने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा अप्रैल महीना और मई महीने का मिला करके जो 36(4) का कंडीशन है उसे फुलफिल कर सकते हैं, ये भी अमेंडमेंट जो है वो कर दिया गया है। तो ये दो बड़े रिलैक्सेशंस जो हैं GSTR1 और IFF से रिलेटेड दिए गए हैं जिससे छोटे टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR1 में क्या चेंज किया गया है IFF के अंदर और क्या चेंजेस किए गए हैं ड्यू डेट्स के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।